प्यार से कहिए धन निरंकार जी, भाव और भक्ति एक दूसरे के पूरक है। इसलिए कबीर जी को कहना पड़ा, भाव बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना न भाव। ये दो मिल परस्पर, दो मिल एक सुभाव कबीरा, दो मिल एक सुभाव। ये दोनों मिलकर भाव और भक्ति एक स्वभाव बनता है, आत्म भाव बनता है, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। और जब जीवन में आनंद आ जाता है तो दुख क्लेश मात्र भी नहीं रहता है। दूजा भाव खत्म हो जाता है, फिर अच्छाई में और बुराई में एक ही प्रभु नजर आता है। भगवान राम ने जो सबरी भिलनी को भक्ति समझाई है, सौ पवन चरणों में रख रहा हूँ। आशा है परवान करेंगे। प्रथम भक्ति सम तन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है सबरी संतों का सत्संग करे। दूसरी भक्ति है जो कथा प्रसंग, जो हरि नाम की चर्चा होती है उसका श्रवण करे। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुन गन, करह कपट तजगा। गुरु चरणों की सेवा करें तो ये तीसरी भक्ति हो जाती है, और छल कपट का त्याग करके मेरा गुणगान करें तो ये चौथी भक्ति हो जाती है। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, जो वेदों ने प्रकाश डाला है, पांच ही भक्ति हो जाती है। मंत्र जापे मम देड़ी सिवासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हरि का सिमरण करना, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके हरि का सिमरण करना, ये पांचवी भक्ति कहलाती है। छठदम सील विरति बहु करे माँ, निरति निरंतर सजन धरे माँ, निरति निरंतर सजन धरे माँ, छठदम सील विरति बहु करमा। दम इंद्रियों का दमन करना, सील विरति बहु कर्म, दम आदि कर्मों से निवृत्त होकर एक सज्जन पुरुष का आचरण करना, ये छठी भक्ति कहलाती है। सातम समय मो मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। है सबरी सातवीं भक्ति है, किस जगत को मेरा ही रूप समझे। सातों सम मोह मैं जग देखा,
और मेरे से भी अधिक मेरे संतों को करके माने। संतों में ऐसा भाव रखे तो ये साती भक्ति हो जाती। आठ लाभ संतो सा सपने हूँ नहीं थे कहीं पर दो सा। जितना मिलता है उसमें संतोषदायक करना। आठों जथा लाभ संतोषा सपने उन नहीं देखे पर दोसा। अस सपने में भी दूसरे के दोष नस देखे तो ये आठी भक्ति हो जाती। नवम सरल सबे विधि छलही ना मम भरोस हिए हरसिन दीना। नवम सरल सब विधि छलहीना। सब प्रकार से सब विधि से छलहीन हो जाए। नवम सरल सब विधि छलहीना मम भरोसा। और मेरा ही भरोसा करे मेरा ही आसरा समझे मेरा ही भरोसा करे। ये हरसिन दीना। और ये सब प्राप्त करके भी हर्षित न हो क्योंकि हर्ष के पीछे शोक जुड़ा हुआ है। नवम एक जे कोई हो नारी पुरुष चराचर जो नर हो या नारी हो या चर अचर कोई भी हो। नौ में से एक भी अगर कोई कर लेता है तो उसका सहज ही पार उतार हो जाता है। वह सहज ही भव सागर से पार हो जाता है। सतगुरु कृपा करें सबको भक्ति और भाव दोनों प्रदान करें। इन्हीं शब्दों से मैं समायास न करूंगा। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।